नमस्कार एंड स्वागत है सभी फैंटेसी प्लेयर्स का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम गौर करते हैं एशिया कप का सुपर फोर का मैच नंबर फोर्थ जो कि होने वाला है इंडिया वर्सेस श्रीलंका। इंडिया बैक टू बैक मैच खेलने वाली है। आपने देखा होगा नाइट का मैच कितना शानदार मैच होता, मतलब एक वन साइडेड मैच गया था और अपने जो मतलब प्रेडिक्शन थी वो भी अपनी एक्यूरेट थी। दोस्तों मैंने क्लियर कट वीडियो में बताया था कि यदि यदि इंडिया के ओपनर और विराट कोहली अच्छा करेंगे तो पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान फ्लॉप होने वाले हैं उनकी जगह, या फिर तो इमाम उल हक आएंगे या फिर आपके फखर जमान आएंगे। दोस्तों तो फखर जमान ने 33 फैंटेसी पॉइंट स्कोर किए थे, तो यदि वो भी चलते आपकी जो जसप्रीत बुमराह थे ना उनकी जगह आपके वो होते ना तो भी कोई इश्यू नहीं थी दोस्तों, ठीक है। और इमाम उल हक जल्दी आउट हो गए थे, शादाब खान की बात की थी और साइन अफरीदी ने एक विकेट लिया था। हरीश रो बस उनकी प्रेडिक्शन है, दो प्रेडिक्शन कह नहीं सकते क्योंकि उनको साइड डिस्टर्न हो गया था शायद तक, इसलिए वो कल बॉलिंग कराने आए ही नहीं थे ग्राउंड के अंदर, है ना। यदि वो कराने बॉलिंग आते तो शायद तो हो सकता कि विकेट इंडिया गिर जाते और जो हरीश रोप है ना एक दो विकेट पिक कर लेते दोस्तों, ठीक है। वो तो चीज़ जो जो पॉसिबल नहीं है उसकी बात करने की कोई क्षमता भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो वीडियो ध्यान से सुने होंगे तो उनको अच्छा मैच गया होगा, क्योंकि देखो मैच दो दिन हुआ था आपको बताया दोस्तों ना। अब देखो वहाँ पर मैंने कहा था कि सिंगल CVC, यदि आपको सिंगल CVC इंडिया की तरफ से बनाना है तो कुलदीप यादव कैप्टन कर लो, विसी या विराट कोहली, शुभमन गिल और रोहित शर्मा। लोकेश राहुल की तो कोई बात ही नहीं थी, भाई लोकेश राहुल खेलने वाले हैं दोस्तों, है ना, जहाँ तक परसों की बात कर रहा हूँ, है ना। तो इन तीन प्लेयर की मैंने कहा था इनको तीनों को VC ट्राई कर सकते हो, यदि आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो तो विराट कोहली को VC और कुलदीप यादव को कैप्टन, ऐसा CVC बना के आप ट्राई कर सकते हो। और कुलदीप यादव की तो मैं तो जब से एशिया कप स्टार्ट हुआ है ना तब से मैं बात कर रहा हूँ कुलदीप यादव को कैप्टन कर दो, है ना। तो क्योंकि मैंने कहा था कि कुलदीप यादव बैक टू बैक विकेट लेस जा रहे हैं, पर एक दिन मैच ऐसा आएगा जिसके अंदर ये ना गुच्छ में विकेट निकाल लेंगे दोस्तों। ऐसे ही होते हैं जैसे आप बच्चे शार्दुल ठाकुर है, मोहम्मद सिराज है, वही ऐसी बॉलिंग करा सकते हैं आने वाले मैच में। तो आज हम बात करते हैं आज के मैच में श्रीलंका की तरफ से कौन अच्छा कर सकते हैं और इंडिया की तरफ से जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कम है क्या वो अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे फिर नहीं दिखाएंगे दोस्तों। चलो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो दोस्तों सेम वेन्यू है, बस यहाँ पे देखो टॉस बेनिफिट की बात करें तो जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो अच्छा करेंगे और उनके स्पिनर विकेट लेंगे दोस्तों। लास्ट मैच में आपने देखा होगा इंडिया ने अच्छा खासा स्कोर कर दिया, फिर वहाँ पे इंडिया के स्पिनर जडेजा को विकेट लेस गए थे, लेकिन जडेजा मैंने कहा था जडेजा पहले बॉलिंग करते हैं जब ज़्यादा विकेट लेते हैं इन कम्पेयर टू सेकंड इनिंग, और वही हुआ था कि जडेजा ने पहले इनिंग के सेकंड इनिंग के अंदर विकेट लेस किए थे। कुलदीप यादव ने विकेट निकाल लिए, वहाँ पे जसप्रीत बुमराह ने विकेट निकाले, ठाकुर ने विकेट निकाला, लेकिन मोहम्मद सिराज विकेट लेस गए थे, ठीक है। तो आज के मैच के लिए प्लस पॉइंट कौन कौन बन सकते हैं आपके भी आपसे, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज और आपके जडेजा, है ना। कुलदीप यादव को तो पिक करना ही करना है क्योंकि वो देखो वो कम से कम है ना 50 से 40 पॉइंट फैंटेसी स्कोर कर ही देंगे, लेकिन जडेजा और मोहम्मद सिराज ठाकुर इन तीनों में से दो को कन्फर्म है ट्राई करना ही करना है दोस्तों, ठीक है। और विकेट स्प्लिट भी देखो यहाँ पे 65% स्पिनर को हेल्प मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको ना अभी मैं हाई परसेंटेज और लो परसेंटेज के प्लेयर शो करूँगा तब आपको पता चल जाएगा कि ये प्लेयर अच्छा करने वाले हैं। वहाँ से जो लो सिलेक्शन प्लेयर है ना वहाँ से आपको ऐसे प्लेयर को पिक करना है जो कि वेन्यू उनको सपोर्ट करता है दोस्तों। तो यहाँ पे आते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों। दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, कृपया करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ये स्मॉल एक टीम थी, हालांकि टोटली मतलब कि मेरे हिसाब से वन साइडेड लॉस भी हुआ होगा तो यहाँ पे पाकिस्तान के प्रेशर, लेकिन ये मैच पूरे दिन हुआ नहीं था आपको खुद को पता, दो दिन में मैच होता दोस्तों, ठीक है ना। तो वो तो थी अपनी स्मॉल लीग की बात। अब देखो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको स्मॉल लीग की टीम मिलेगी। CPL का भी हो सकता है कि मॉर्निंग मैचेस होते हैं ना CPL के जो 4:30 बजे 5:30 बजे होते हैं, वहाँ पे मैं स्मॉल लीग की टीम दूंगा, आप खुद से एक टीम बनाओ और मेरी टीम अप्लाई करो। दो टीम से हमेशा खेला करो दोस्तों, आपको लॉस नहीं होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। दो टीम के साथ में खेलोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, हालांकि कम होगा लेकिन आपको प्रॉफिट होगा, बात यह है। लॉस आपको स्वीकार होगा तो सिर्फ ग्रैंड लीग के अंदर होगा था, और ग्रैंड लीग के अंदर भाई मैं कहता हूँ 100, चलो एग्जाम्पल लेते हैं कि 100 प्लेयर ग्रैंड लीग खेल रहे हैं, ठीक है, तो 100 में से 95 प्लेयर को लॉस ही होगा, सिंपल सी बात है। बस डिपेंड करता है कि वो कितने टीम के साथ में खेल रहे हैं, यदि वो मैक्सिमम टीम के साथ में खेल रहे हैं एक कंडीशन को फॉलो करें तो उनको या तो फिर मतलब कि प्रॉफिट इतना होगा कि पूरा लॉस कवर हो जाएगा या फिर अगेन लॉस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि आपको ना ग्रैंड लीग के अंदर ना कुछ सेलेक्टेड प्लेयर को पिक करना चाहिए, मैंने आपको ये चीज़ है ना पहले भी बता चुका वीडियो के अंदर, तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर है ना सिंगल CVC तो मैं आपको बताता रहता हूँ, लेकिन जो फिल्टर सेक्शन के लिए ना वो अलग से वीडियो आने वाला है कल शाम को दोस्तों, ठीक है। तो कृपया करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो।
तो अब शुरुआत करते हैं अपने हाई सिलेक्शन लो सिलेक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि इन इसका इतना इंपॉर्टेंट है कि इन पे कोई फोकस ही नहीं करता है। क्योंकि देखो दोस्तों, ये जो हाई सिलेक्शन प्लेयर है ना, ये दोनों टीम के बेस्ट प्लेयर है। कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ से, हालांकि देखो इंडिया की स्ट्रांग टीम है, श्रीलंका भी देखो लास्ट T20 एशिया कप भी अगेंस्ट इंडिया जीती थी। ये बात नहीं है कि श्रीलंका इंडिया को हरा नहीं सकती दोस्तों, है ना, वेन्यू भी श्रीलंका का है दोस्तों। लेकिन दिक्कत कहाँ पे, दिक्कत है कि इनके पास में 8% टाइम लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं है। यदि इनके पास में लेफ्ट आर्म बॉलर है तो इंडिया को ये दिक्कत कर सकते हैं, अन्यथा इंडिया टीम अगेन ये मैच जीतने वाली है। देखो मैच तो जीतेगी, लेकिन देखो श्रीलंका जैसी टीम मैच जीते या भी अरे उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन जो टीम इंडिया के बैट्समैन को है ना अप डाउन कर देना, वही टीम होती है दोस्तों। एक स्ट्रॉन्ग टीम को मतलब कि डिस्टर्ब कर देना वीक टीम, वही कहलाती है ऐसी टीम जो कि अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। तो उसके भी हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि यदि श्रीलंका को मुकाबला जीतना है तो बी फर्नांडो, यदि वो फिट है बी फर्नांडो, तो उनको मौका देना चाहिए दोस्तों, है ना। फिर इनके पास में अदर कोई लेफ्ट आर्म बॉलर अवेलेबल है तो उनको मौका देना चाहिए, अन्यथा मेरे को चांस कम ही लग रहा है कि लंका आज ज़्यादा लंका लगा सकती है टीम इंडिया की दोस्तों। ठीक है, टीम इंडिया मैच जीतने वाली है मेरे भी आपसे। और यदि पहले बैटिंग करती है इंडिया तो फिर तो 99% का टीम इंडिया मुकाबला जीतने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपके हाई सिलेक्शन प्लेयर है, इनमें से मात्र 7 प्लेयर पिक करने, मात्र ओनली फॉर 7 प्लेयर यू हैव टू पिक फ्रॉम इन दैट 11 प्लेयर्स दोस्तों। ठीक है, अब आपको इग्नोर कैसे करना है, मेरी बात ध्यान सुनो। मैच तिक्सना और धनंजय डी सिल्वा, पथिराना, कौशल मेंडिस, इन चार में से मात्र 2 प्लेयर को पिक करना है या फिर 1 को पढ़ लो, चारों को पिक नहीं करनी है, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं इंडिया की तरफ से, तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, लोकेश राहुल, इन चारों में से 3 को पिक करना है। मेरी बात ध्यान से सुनो, इन चारों में से 3 को पिक करना है। या तो आपके रोहित शर्मा फ्लॉप हो सकते हैं के रचिता के बॉल पे, मेरे को जानता लगता है रचिता के बॉल पे आपके रोहित शर्मा फ्लॉप हो सकते हैं, है ना, एक ओपनर फ्लॉप होंगे, या फिर आपके विराट कोहली हो जाएंगे, रनआउट हो जाएंगे, तो वो प्रेडिक्शन नहीं होती है दोस्तों। ठीक है ना, तो मेरे भी आपसे इन चार में से 1 को पिक करना है। और 3 बॉलर आपको दिखाई दे रहे हैं, बुमराह, जडेजा, हार्दिक पांड्या। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि इंडिया पहले बैटिंग करेंगे तो ये प्लेयर अच्छा करेंगे, इंडिया सेकंड बैटिंग करेगी तो ये प्लेयर अच्छा करेंगे, वो के चेक कर लो वहाँ पे, जडेजा को, हार्दिक पांड्या को कैसे पिक करना है आपको पता चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये है अपने लो सिलेक्शन प्लेयर की लिस्ट। अब इसके अंदर सबसे पहले फोकस करो 4 इंडियन प्लेयर जिनका परसेंटेज सिलेक्शन कम है, कुलदीप यादव, जो कि लास्ट मैच में कैप्टन बन के आ रहे हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि देखो मेरी बात, 2 तरीके से प्लेयर वहाँ पे टीम बनाते हैं फैंटेसी प्लेयर। एक तो वो पॉइंट देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन से प्लेयर ने ज़्यादा पॉइंट दिए, उनकी भी आपसे टीम बनाते हैं, एक वो स्ट्रॉन्ग टीम और वीक टीम की भी आपसे बनाते हैं। तो ऐसे देखे तो आपके कुलदीप यादव अभी तक तो विकेट ले से जा रहे थे, मतलब एक एक विकेट ले रहे थे आपको खुद को बताए, लेकिन कल के मुकाबले इन्होंने 5 विकेट निकाली है, फिर भी इनका सिलेक्शन परसेंटेज कम है। तो अगेन आप इनको ट्राई करो दोस्तों। ठीक है, तो ये बात ही अपनी कुलदीप यादव की, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर, तीनों में से 2 को ट्राई करना है। और यहाँ पे आपको डी करूरतने और चरित असलंका और यहाँ पे डी वेलालंगे, ये प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं कैप्टन किसी की, तो लोकेश राहुल, विराट कोहली, करूरतने, जडेजा, कुलदीप यादव, महेश पथिराना। अब इसके अंदर देखो करूरतने को मैंने अलग से पिक किया है, तो करूरतने आपके चॉइस है दोस्तों। वहाँ पे जडेजा को ट्राई कर सकते हो, जडेजा यदि पहली बॉलिंग करते हैं तो जडेजा आपके लिए बेस्ट पिक है। और लोकेश राहुल, विराट कोहली का तो पता नहीं क्या है, वो दोनों अच्छे करके हैं लास्ट मैच में अगेंस्ट पाकिस्तान, और कुलदीप यादव भी, और महेश पथिराना दोस्तों। ठीक है, वीसी की बात करें, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, सनंका, जो कि अगेंस्ट इंडिया बहुत ही अच्छा खेलते हैं, मतलब कि आपने इनका रिकॉर्ड उठा के देखोगे ना अगेंस्ट इंडिया, ये आउट ही नहीं होते यार, आप कैसे खेलते हो तो उनको खुद भी नहीं पता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे शार्दुल ठाकुर को बात इसलिए कर रहा हूँ, देखो शार्दुल ठाकुर एक ऐसा प्लेयर है जैसे कि अपने कुलदीप यादव है दोस्तों, कल 5 विकेट निकाल लिए। ठाकुर पहले बॉलिंग करे तो अच्छी बात है, लेकिन इनके करियर में ना ये जब भी सेकंड बॉलिंग करते हैं ना तो हमेशा ड्रीम टीम के अंदर रहते हैं दोस्तों। ये आपको पता है दिल्ली के लिए भी साथ में खेल चुके हैं कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, ये चीज़ है दोस्तों। ठीक है, तो ये अपनी वीसी चॉइस है और ये अपने कैप्टनसी चॉइस है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं कितने क्रेडिट का वो टीम बनानी है, तो यहाँ पे देखो 83 से लेके आपको 90 के बीच में टीम बनानी है। और लास्ट मैच में कहा था यदि आप इंडिया के फेवर में टीम बना रही हो अगेंस्ट दी पाकिस्तान, तो आप 90 की टीम बना लो और जाके आप ड्रीम टीम चेक कर लो, 90 की ही ड्रीम टीम बनी है दोस्तों, है ना। और यहाँ पे श्रीलंका की 83 की बनानी है, हालांकि पॉसिबल नहीं है कि 83 की टीम बनेगी, लेकिन एक जैसे कि आप मतलब कि 10 टीम क्रिएट कर रहे हो ना, 10 में से 8 टीम इंडिया के फेवर बना दो, जो बची जो 2 टीम है ना वो टोटली श्रीलंका के फेवर बना दो दोस्तों। क्योंकि देखो उसका रीज़न क्या है कि कभी कभार देखो क्रिकेट अनिश्चितता खेल, कभी कभार ऐसा हो ही जाता है
जो हम सोचते हैं उसका अपोजिट हो जाता है। सोचते तो हमेशा यही है कि हमारी फर्स्टिंग आई है, लेकिन आती नहीं है ना। वही चीज़ है कि आप थोड़ा मतलब कि इलॉजिकल भी टीम लेके चला जाया करो कि ये चीज़ संभव नहीं है, वो चीज़ संभव हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना। आपने अभी देखा होगा यहाँ पे मातर जनता 4 प्लेयर लेके आ रही है हाई सिलेक्शन फ्रॉम श्रीलंका, लेकिन आपको यहाँ से पिक करना है श्रीलंका के प्लेयर। इनको इग्नोर कर दो, चारों में से दो को प्लेयर को पिक लो, या फिर हो सकता है चारों को इग्नोर कर दो, यहाँ से पिक करो। जैसे कि दो बल्लेबाज ले लो, एक ऑलराउंडर ले लो, एक बॉलर ले लो, या फिर दो ऑलराउंडर दो बॉलर ले लो। डीवल अलंग या श्रीलंका दोनों अच्छी चॉइस है, और यहाँ से आपके चरित असलंगा निसंगा ले लो, या फिर करुणे असलंगा ले लो, या समर विक्रमा भी देखो अगेंस्ट बांग्लादेश सेंचुरी स्कोर करके आ रहे हैं, ये भी बल्लेबाज कंटिन्यू फ्लॉप था, अच्छा चॉइस है ना। तो यही चीज़ है कि किसी प्लेयर को बैक करे हो तो उसको ना लॉन्ग फॉर्मेट के हिसाब से सोचा करो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचा करो कि भाई इस प्लेयर को ना मैं 1 महीने के लिए प्रॉपर फॉलो करूँगा, है ना। आने वाले समय में कोई सा भी लीग खेलता है तो मैं इसी को कैप्टन बनाऊंगा दोस्तों। तो वो चीज़ होती है फैंटेसी के अंदर ग्रैंड लीग की चॉइस, है ना, जिसे समझने का प्रयास करो। कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, यहाँ पे 1-4-3-3-2-3-2-4। तो ये चीज़ थी अपनी डाटा CVC, भाई ध्यान से फोकस ले जाओ के वीडियो देख लिया करो। इसके अंदर मैं तो ना तो आपको एवरेज बताता हूँ, मैं सिर्फ मतलब कि प्रेडिक्शन बताता हूँ कि आज के मुकाबले में ऐसा हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो हम आते अपने सॉफ्टवेयर पर, शानदार टीम क्रिएट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ गए अपने सॉफ्टवेयर पे, और यहाँ पे मैं मैच को सेव कर लेता हूँ। हालांकि वीडियो थोड़ा लेट हो चुका है दोस्तों, मैं प्रयास पूरा कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा लेट हो जाता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आप एक दो कमेंट कर दिया करो यार वीडियो कैसा लगा, और वीडियो के अंदर जो भी चीज़ चाहिए ना तो आप बता दिया करो। आपको बैटिंग सेकंड बैटिंग फर्स्ट के प्लेयर आपको मैं बताता हूँ, फिर भी वही रेस्पॉन्स आ रहा है दोस्तों। रेस्पॉन्स में कोई भी मतलब कि उतार चढ़ाव नहीं है दोस्तों, सेम रेस्पॉन्स आ रहा है। 200-300 व्यू आ रहे वीडियो पे, कोई लॉजिक वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। और जो चीज़ बता रहे हो ऐसा करके मतलब कि मैच के दौरान होता भी है, ऐसा नहीं है कि मैं 10 मैच वीडियो कवर करूँ, 10 में से मेरी 6 से 7 मैच की प्रेडिक्शन सही जा रही है दोस्तों, है ना। वो चीज़ फॉलो करो यार, आपको विश्वास नहीं होता है ना तो लास्ट के वीडियो जाके चेक कर लो, आपको खुद को पता चल जाएगा दोस्तों। तो घर पे करके थोड़े भाई को सपोर्ट करो, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, जो प्लेयर लास्ट मुकाबले खेले थे मैं उन्हीं को पिक कर रहा हूँ, ठीक है। श्रीलंका, डी सिल्वा, बुमराह, तिक्षिना, सिराज, रचिता, पति राणा, ठाकुर, ठीक है। देखो मैंने बात कर बी फर्नांडो की, मैंने बात की था ये रहा आपका बी फर्नांडो, यदि इनको मौका मिलता है दोस्तों प्लीज इसको रिमूव मत करना, शानदार बॉलर है ना। एक पी मधुशंकर, यदि एक तो ये डी मधुशंकर, एक पी मधुशन है, वो एक लेफ्ट आर्म, दोनों से एक भाई लेफ्ट आर्म है अभी शायद, तो ये भी हो सकते हैं। फिर बी फर्नांडो तो कन्फर्म है कि लेफ्ट आर्म है। और आप देखो इंडिया जब भी अगेंस्ट कोई सी भी टीम खेली है, यदि ओपोनेंट के पास में लेफ्ट आर्म बॉलर है ना, वो कन्फर्म 2 विकेट लेके गए हैं दोस्तों। चाहे आपके आयरलैंड के जोशुआ लिटिल ले लो, है ना, चाहे आपके जिम्बाब्वे के रिचर्ड नगारवा ले लो, है ना, स्कॉटलैंड के आपके एक प्लेयर है ना, नाम भूल गया मैं, ब्रेडन व्हील है क्या नाम है उनका, वे लेफ्ट आर्म बॉलर है। मतलब कि जो लो सिलेक्शन वाली टीम है ना बांग्लादेश की तरफ से, मुस्तफिजुर रहमान हो गए, शोरीफुल इस्लाम हो गई जो कि लेफ्ट आर्म बॉलर है ना, और इंग्लैंड के डेविड विली हो गए, ऋषभ टोपले हो गए, जो कि अगेंस्ट दी इंडिया विकेट निकालते हैं, है ना। तो ये चीज़ नोटिस करो कि इंडिया के सामने लेफ्ट आर्म बॉलर अच्छा करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो यदि किसी लेफ्ट आर्म को मौका मिलता है श्रीलंका की तरफ से तो उनको ट्राई करना है, कोई भी लेफ्ट आर्म फिक्स नहीं है। कैप्टनसी की बात करें तो यहाँ पे विराट कोहली रहेंगे अपने, और डी करुणे रहेंगे, और यहाँ से आपके मैं जडेजा को कैप्टन ट्राई कर रहा हूँ, लास्ट मैच में जडेजा अपने फ्लॉप हुए थे, और यहाँ से आपके रहेंगे कुलदीप यादव, और के रचिता को ट्राई करो, या फिर आपके ऊपर डिपेंड है महेशपति राणा दोस्तों, ठीक है। और वीसी की चॉइस की बात करें तो दोनों ओपनर इंडिया के, और आपके हार्दिक पांड्या है, और जी सनंका है, जसप्रीत बुमराह है, और यहाँ पे आपके शार्दुल ठाकुर है दोस्तों, ये अपने वीसी रहेंगे। इंडिया के 7 प्लेयर ले रहा हूँ, 4 प्लेयर मात्र 4 प्लेयर ले रहा हूँ श्रीलंका के, और परसेंटेज की बात करूँ तो मैंने कहा था आपको मात्र 7 प्लेयर पिक करने, तो 7-4 का कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करना है, 4 प्लेयर आपको लो सिलेक्शन के पिक करने, और आपको 83 से 90 के पीछे मैंने टीम बताई थी, लेकिन अपन इंडिया के फेवर में टोटली टीम बना रहे तो अपन 88 कर देते हैं ना, 88 से लेकर 90 के बीच में अपन टीम बनाएंगे, यही इसी के बीच में आपकी टीम बनेगी ड्रीम टीम 1-4-3-3 और आपके 2-3-2-4 दोस्तों। नंबर ऑफ टीम की बात करते हैं, यहाँ पे अपन 11 टीम बनाते हैं, वीडियो स्लाइटली लंबा बन चुका है, तो फिल्टर सेक्शन आप खुद से भी अप्लाई कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, ये आपके सारी टीम आपको शो कर देता हूँ। अब बात करता हूँ सिंगल CVC की, तो आप इंडिया की तरफ से बनाना चाहते हो तो बॉलिंग सेक्शन में 2 सबसे अच्छी चॉइस है जडेजा, शार्दुल ठाकुर, और तीसरी चॉइस लेना चाहते हो तो मोहम्मद सिराज। कंडीशन क्या है, मोहम्मद सिराज और जडेजा यदि पहले बॉलिंग करते तब ट्राई करना है, शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव को यदि वो सेकंड बॉलिंग करते हैं तब ट्राई करना दोस्तों, ठीक है।
और वहाँ पे बात करें तो विराट कोहली है, विराट कोहली तो चलो विराट कोहली इग्नोर कर दो, वहाँ पे आपके पास में एक तो चॉइस है आपके शुभमन गिल है, दूसरे आपके लोकेश राहुल है, तीसरे आपके ईशान किशन है दोस्तों, ठीक है। और यदि आप श्रीलंका के फेयर में किसी को कैप्टन ट्राई करना चाहते हो तो यदि लेफ्ट आर्म खेलता तो अच्छी चॉइस है, अन्यथा आप डी वेलानंग के साथ जाओ जो कि ऑलराउंडर है, परसेंटेज से सिलेक्शन कम है, उनको वीसी बना दो, कैप्टन आप पी निशंगा को बना दो या फिर आप कुशल मेंडिस को बना सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये बात थी अपनी श्रीलंका की तरफ से दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।